मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री फिर हुए एक दूसरे पर हमलावर। शिवराज बोले, कमलनाथ के नेता ही उड़ा रहे उनके तोते। तो कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा, आप तो अपना मजाक उड़वाने के लिए ऊटपटांग बात करते हैं। एमपी के सीहोर की बेटी ईशा कुशवाहा बनी अग्निवीर। पहली बार में निकाली भर्ती, रोजाना 4 किलोमीटर करती थी रनिंग, बाहर के खाने से पूरी तरह करती थी परहेज। इंदौर के कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह के भतीजे की हत्या, मुंह पे कपड़ा ठूंस कर घोटा दम। 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी, 2 आरोपी हिरासत में। आखिरकार एमपीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का रिजल्ट किया जारी। लंबे इंतजार के बाद रविवार को छुट्टी के बावजूद देर रात को जारी इस रिजल्ट में भी 87 से 13% का फॉर्मूला लागू। 87% के तहत 698 अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए हुआ। एमपी में कड़ाके की ठंड से अभी राहत, 9 से 10 फरवरी से फिर एक दौर, पूरे महीने ऐसा ही रहेगा मौसम। उज्जैन महाकाल का खजाना 2 गुने से ज्यादा भरा। महाकाल लोक के बाद 3 महीने का दान साल भर से ज्यादा, भक्तों की संख्या में भी 3 गुना हुआ इजाफा। समरसता मंच सागर के तत्वावधान में मंच के कार्यकर्ताओं ने संत रविदास जयंती सप्ताह मनाया, जिसमें 1 सप्ताह तक नगर की सेवा बस्तियों और संत रविदास जी की प्रतिमा और मंदिरों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए आयोजित। सागर में सांसद राज बहादुर सिंह और विधायक शैलेंद्र ने संत रविदास जयंती के अवसर पर धर्मश्री स्थित अम्बेडकर वार्ड स्थित संत रविदास मंदिर में पहुँचकर रविदास जी का पूजन अर्चन कर लोगों को रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही विधायक शैलेंद्र ने शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर रविदास जी की पालकी को कंधा देकर रविदास जी के जीवन से संबंधित संस्मरणों पर की चर्चा। सागर आयुष विभाग के निर्देश अनुसार 5 फरवरी संत रविदास जयंती के अवसर पर जिले के 11 ब्लॉक में आयुष मेले का हुआ आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि सागर संसदीय क्षेत्र के सांसद राज बहादुर सिंह, कार्यक्रम अध्यक्ष विधायक शैलेंद्र रहे थे। दमोह जिले के बटागढ़ में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें सबसे पहले स्थानीय रविदास मंदिर में हवन पूजन के साथ एक भव्य जुलूस निकाला गया, जो बैंड बाजों डीजों के साथ पूरे ग्राम में भ्रमण करते हुए बस स्टैंड चौराहे पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि पंडित धर्मेंद्र कटारे के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर फूलमाला पहनाई गई और इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों की रही उपस्थिति।